सो गाइज वी हैव डन इट फोर जीरो इन एल क्लासिको आई वॉन्ट योर टेक ऑन द गेम हमें नहीं पता क्या हुआ फर्स्ट हाफ वॉज शो न वी पहला हाफ तो हम ढंग से देख भी नहीं पाए बिकॉज अन अवेलेबिलिटी ऑफ द लिंक वी ऑल नो जैसी मैच लगाया हम पे प्रेशर पड़ रहा था फर्स्ट हाफ वॉज वेस्टफुल दोनों टीम ने चांसेज मिस किए अपने चांसेज नहीं लिए नर्वी लगे बिल्कुल डिस्टर्पटिव फर्स्ट हाफ था आई वॉन्ट योर टेक ऑन द फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाथ देन फारूक भाई यार टू बी ऑनेस्ट इसके बारे ये मैच के बारे में बात करना के लिए सबसे पहले यार अपना खुशी कंट्रोल करना होगा मुझे बिकॉज अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल यार फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट टू डिफरेंट गेम्स टू डिफरेंट मैचेस इस तरीके का गेम हुआ यार

वो लोग लॉन्ग बॉल्स भी डालेंगे वो लोग इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी जाएंगे वो लोग सब चीजें करेंगे बट अभी क्या हुआ पहले हाफ में आप देखेंगे कि बार्सिलोना को बॉल कंट्रोल करने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था बिकॉज बार्सिलोना वॉज मोस्टली ट्राइंग टू गो विद द डायरेक्ट पासिस और उसमें क्या हो रहा था बॉल बार बार टूट रही थी बार बार पोजिशन टूट रही थी एक टीम बहुत ज्यादा देरी पोजिशन नहीं रख पा रही थी पोजिशन टर्न ओवर वेरी वेरी हाई स्कोडर हो रहा था बॉल बार बार और यही चीज फर्स्ट हाफ में मोस्टली हमने बहुत ज्यादा देखी एंड कई ज्यादा फाउल्स बहुत ज्यादा लाइक डिफरेंट गेम बहुत ज्यादा फिजिकल गेम और इसमें यार बार्सिलोना का हाई लाइन वो स्टिल वर्किंग यहाँ पे हमने देखा कि यार एम्बापे को ऑफ साइड ट्रैप में ट्रैप किया एम्बापे ने गोल भी मारा सेलिब्रेट भी किया बहुत खतरनाक बट इट वॉज रूल्ड ऑफ साइड और कई बार हम लोग ये हाई लाइन का फायदा उठा के बार बार रियल मार्डेड को यहाँ पे रोक रहे थे वी आर पुटिंग प्रेशर कॉम्पैक्ट कर दे रहे थे उन लोगों की अटैक और मिडफील्ड को दैट इज हाउ वी

उसके बाद लमिन माल वन वन सिचुएशन में आ चुके थे उन्होंने भी चिप करने की कोशिश की और बिल्कुल हाथ मर हाथ पे उन्होंने के बॉल फेंक दिया था पहले हाफ में दोनों टीम्स बहुत ज्यादा नर्वी दिख रही थी रेल मरिड को भी कुछ चांसेस मिले कुछ ऑफसेट ऑफसेट भी हुआ ऑफसेट पे भी जो चांसेस मिले थे विनीत जूनियर को तो वो भी आपने देखा कि उन्होंने बाहर मार दी थी शॉट तो बहुत ज्यादा नरवी थी दोनों टीम्स मेरे ख्याल से फुटिंग फाइन करने में पूरा एक हाफ चला गया था और दोनों टीम कंसिस्टेंट फुटबॉल नहीं खेल रही थी गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी देखें साथ ने जैसा एक्सप्लेन किया ना कि थोड़ा फिजिकल चल रहा था तो मारा मारी तो एक्सपेक्टेड थी ही यहाँ पर लेकिन जो मेन चीज मुझे नजर आई वो यही थी कि अब प्रेशर दोनों टीमें जो है ना वो वो नहीं उसको कर पा रही थी ऑफसाइड ट्रैप भाई है ऑफसाइड ट्रैप आपका जो है वो ट्वेल्थ मैन है इस पूरे सीजन में आज फिर ऑफसाइड ट्रैप ने आपको बहुत ज्यादा बचाया बचाया मतलब क्या कि आपने किया आपने किया ऑफसाइड ट्रैप आपने किया लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूंगा कि मुझे ऐसा लगा कि किलिन अम्बापे ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे थे डेस्परेशन की वजह से वो मुझे मैंने कुछ कुछ इंस, 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 इंस्टेंसेस जैसे नोट किए जहाँ पर किलिन अम्बापे ने अर्ली रन ले लिए थे वहां पर हमने ट्रैप बनाया नहीं था उन्होंने गलत जो है टाइमिंग उनकी रन की गलत थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे थे जिसकी वजह से बार्सोलोना ने जो है वो मैच में मतलब ऑफसेड ट्रैप का जो एक उनका बड़ा अच्छा चला आ रहा है थ्रू आउट द सीज़न वो उनका मेंटेन रहा बाकी उसके अलावा यार फर्स्ट हाफ में तो वही बात है कि चांसेस दोनों टीम्स को कुछ मिले थे लेकिन बारसालोना के पास फिर भी एज ज्यादा था और गेम को अगर देखा जाए गेम कंट्रोल करना गेम डोमिनेट करना या कुछ चांसेस बनाना वो मेरिट ने शायद ज्यादा बेहतर तरीके के साथ किए लेकिन क्लियर कट चांसेस की अगर बात की जाए तो बारसालोना के पास जैसे वो वन वन सिचुएशन के चांसेस दो मिले थे बारसा को

ऑफ साइड ट्रैप में देर आर वेरी फाइन मार्जिन बिटवीन बींग अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड बींग अ वेरी बिग इडियट तो हांसी फ्लिक इज ऑन द स्मार्टर साइड वो ऐसे ऑफ साइड ट्रैप्स करा रहा है दैट इज अनइमेजनेबल इतनी प्रिसाइज इतनी एक्यूरेट और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑफ साइड ट्रैप जब होता है तो आपके जो डिफेंडर्स होंगे उनको बहुत ज़्यादा क्लोज रहना पड़ेगा एक डिफेंडर को कंट्रोल करना पड़ेगा जो वो कॉल लेगा जो

यार क्लीन शीट होता था बहुत ये इस सीजन में आप हमने शायद दो या तीन ही क्लीन शीट्स रखी है और ये एक क्लीन शीट दैट टू अगेंस्ट रियल मैड्रिड दैट टू अगेंस्ट विनिशियस जूनियर एम एम्बापेन बेलिंगहम तो ये फ्लूक नहीं है भाई दिस इज समथिंग दैट हांसी फ्लिक हैज मास्टरड एंड हिज प्लेयर्स हैव मास्टरड टू एग्जीक्यूट दिस एज़ वेल ऑलराइट बिल्कुल लक्ष्य भाई मैं अग्री करूंगा साथ के साथ बिल्कुल फ्लूक नहीं है क्योंकि एक दफा हो जाए दो दफा हो जाए से तकरीबन टू टाइम्स ये हुआ है 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 और इस गेम में ही कितनी दफा हो चुका ठीक है, है ना तो एक दफा हो जाता है दो दफा हो जाता है तो समझ में आता है लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं कहीं ऐसा जरूर होता है कि आपने शायद ट्रैप नहीं बनाया होता लेकिन आप जो है वो मतलब ऑफ साइड वैसे ही हो जाता है आपने लास्ट में एक इंसिडेंट देखा होगा कि अब को

लेकिन बर्नाबो में फोर जीरो से हराया क्लीन शीट रखी तो यार मज़ा ही आ गया इट वॉज अ गेम ऑफ टू हाफ्स वी ऑल्सो द फर्स्ट हाफ स्टार्ट ऐसे हुआ स्ट्रीम नहीं चली कुछ नहीं पता क्या हो रहा है स्ट्रीम पे लोग आके लिंक्स मांग रहे हैं गोल खाया नहीं हुआ गेम डिस्टर्ब हो रही है सब कुछ हो रहा है एंड देन सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है फ्रेंकी डिओ कम्स इन इन प्लेस ऑफ फरमीन लोपेस

ट्रस्ट इन हांसी फ्लिक मुझे ट्रस्ट है किसी और को हो चाहे नहीं हो उसको खुद पे ट्रस्ट नहीं हो लेकिन मुझे ट्रस्ट है फ्लिक पे जब हाफ टाइम में वो लोग अंदर गए मैं बोला अब फ्लिक कुछ ना कुछ अपना कुछ ये लोग को खिलाएगा पिलाएगा और सेकंड हाफ में ये लोग आके फाड़ देने वाले तो आपने देखा होगा कि सेकंड हाफ होते ही वहां पे फ्रेंकी आए यूजुअली क्या होता है हम लोग देखते हैं कि हांसी फ्लिक लाइक बहुत लेट सबसे नहीं करता है लेकिन फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी मिनट्स में वो अपनी पहली सब ले आते हैं बट यहां पे फ्रेंकी डिओंग लोपेज अब यहाँ पे क्या हो रहा था इस गेम में कि यार फॉर्मिन लोपेज जो थोड़ा एक अटैकिंग लाइक अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है वो थोड़ा अटैक करके ज्यादा खेलना पसंद करते हैं वहां पे चौमिननी बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे थे बॉल्स वो कर रहे थे डिस्टर्ब कर रहे थे तो यहाँ पे क्या किया एंड फॉर्मिन लोपेज को जब फर्स्ट टाइम प्रेस होता है ना तो ही इज गुड बट ही इज नॉट एज गुड एज लाइक पेडरी

मिल जाती है बाकी सब प्लेयर्स को भी अपनी पोजिशन वगैरह में आने की टाइम मिल जाती है दैट इज फ्रेंकी कैन डू वो बॉल होल्ड भी बहुत अच्छा करता है फ्रेंकी के आने से कसाडो को भी एक हेल्प मिला कसाडो अपनी गेम बढ़िया खेल रहा था पेड्री ऊपर चढ़ के थोड़ा खेला एंड पेडरी वॉज कम्बाइनिंग वेरी वेरी वेल यहाँ पे तो दैट इज वेयर द गेम चेंज वहीं से गेम पलटी बार्सिलोना कंट्रोल में आए और उसके बाद अफकोर्स कसाडो का वो मैजिकल बॉल उस की और ये हमने देखा है कि कसाडो कैन डिफेंस खुल जाती थी उसकी एक ग्लिम्स आई हमें कसाडो में कि वो भी ये चीज कर सकता है लेवन डाउस की को पहला डाला उसके बाद बालडे बाल्डे का यार हम लोग बात कर रहे थे बैच के पहले यार जॉर्डी अल्बा का कुछ आ जाए इसके अंदर आज बाल्डे का क्रॉस आता है फॉर लेवन डाउस की डैट इज वेर मर्डेडेड नाउ पेने अब क्या होगा अब क्या होगा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं विनीशियस के पास बॉल ही नहीं आ रही है एम बापे बेफालतू का दौड़ रहा है अपने ही प्लेयर्स को गाली दे रहा है अपने सिस्टम को गाली दे रहा है कि क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है हाफ टाइम पे ही वो एक सब्सटीट्यूशन की वजह से गेम पलट गई परफेक्टली मैनेज भाई और कुछ नहीं बोलूंगा परफेक्टली मैनेज बिल्कुल साथ की बात बिल्कुल सही है आ, हाफ टाइम के ऊपर और एक चीज और थी कि थ्रू आउट द सीजन ना हमने ये नोट किया कि कि बहुत सारे फ्लॉज हैं रियल के सिस्टम में कलेक्टिवली हमने हमेशा बात की कि वो इतनी अच्छी कियाफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे आज की गेम में भी आपने देखा होगा कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ही चल रहे थे कलेक्टिवली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनके उनको नजर नहीं मतलब हमने देखने को नहीं मिली हंसी फ्लिप केयर वही बात है जिस चीज पे हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है सबसे पहली बात तो ये कि आप ये देखो कि हमने जहां जहां डाउट किया ये मेरे ख्याल से मैं तीसरी चौथी दफा आपके चैनल के ऊपर ये बात कर रहा हूँ आज भी हम लोग पिनिया को लेकर थोड़ा सा डाउट में थे यार क्लासिक को खेल रहे हाँ हमने बोला जरूर था मैंने आपको अपनी बात बोलता हूँ मैंने बोला जरूर था हाँ नहीं पीनिया खिला रहा है उसने कुछ सोच के खिलाया होगा लेकिन अंदर से डर लगा हुआ था लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस देखो मेरे ख्याल से दो चांसेस उसने वन ओ वन अब के रोके हैं उसके अलावा उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी और पिनिया की पिछली गेम अगर आप कंपेयर करो अगेंस्ट न्योर तो न्योर ने ऑन द बॉल मिस्टेक्स की थी आज की गेम अगर आप तो पीनिया की कंपेयर करो लूनिन के अगेंस्ट तो लूनिन ने मिस्टेक्स किए हैं ऑन द बॉल तो भाई इसका मतलब है कि फ्लिक ने मेंटालिटी चेंज की है प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस जो था जो नहीं था पिछले सीजन में एक टीम ऐसी जो पिछले सीजन में खत्म थी वही टीम उठ के आई एक प्लेयर और आया उर्मो जो एक हाफ में भी मेरे ख्या से थर्टी मिनट्स खेला ठीक है उस टीम ने उस टीम को हरा दिया जो चैम्पियंस लीग जीती हुई थी जो ला लीगा जीती हुई थी और उनका 42 गेम्स का विनिंग रन जो था वो हमने एंड किया 43 गेम्स का जो विनिंग रन हमारा था हमने उसको बचाया टॉप ऑफ द टेबल छः पॉइंट की लीड है एंड बहुत सनशुर्स क्या बोलते हैं आप लोग

मैंने बोला था कि ये एक लग्जरी साइनिंग है ठीक है ये नेसेसिटी साइनिंग में नहीं ये लग्जरी है लेकिन ये लग्जरी या चमकती हुई दिख रही है हमें कंफर्ट देती हुई दिख रही है डैनी ऑलमो जब पिच पे आया आपको लग रहा था कि ये बंदा एक्सपीरियंस है ये हमारा मॉडरिज टाइप का कोई उतरा है वो फीलिंग आ रही थी ये बंदा गेम चला सकता है ये बंदा गेम खत्म कर सकता है लिटरली एंड दैट इज वॉट

Was brilliant. Almo was brilliant. He showed that why he deserves to be in a club like Barcelona, to manage the midfield like that, to manage the attacks and to build up attacks. Yeah, Almo was phenomenal, guys. Olmo was phenomenal. And guys, talking about the last two goals, third goal, here, Jitni me tarif karu Seventeen year old boy from La Masia, weak foot. टॉप कॉर्नर शॉट अगेंस्ट वन ऑफ दीपर्स लाइक मूवी हमने ये स्क्रिप्ट कहीं नहीं देखी है ब्यूटिफुल डे फॉर दैट बॉय ये लमी नमाल को जिंदगी भर कुछ याद रहे चाहे ना रहे ये जरूर याद रहेगा एंड लास्टली लास्ट गोल फ्रॉम आर पीटाउन बॉय लग रहा था यार, का तक गोल नहीं आया बहुत सूखा लग रहा है जब गोल भी आ गया लग रहा यार, ने एक ही गोल मारा आज यार ती, दो तीन तो मिनिमम रफीनिया के आना चाहिए था क्यूँकि जिस फॉर्म में रफिनिया खेल रहा है आज ऑल दो उसने कैप्टन जाम नहीं करना था बट स्टिल यार प्लेयर लोग तो लग रहा है उसी को भी कैप्टन मान, मान के चल रहे बिकॉज ऑफ द वेज बॉट इम से

आपको प्रेस भी कर रहे थे वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे सेकंड हाफ में ना आपने थोड़ा नोट किया होगा कि उन्होंने अब थोड़ा करना शुरू किया काउंटर पे हिट करने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन बार्सोलोना ने गेम को बहुत अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया था मौके मिले और हैंसी फ्लिक के सिस्टम में मौके मिलेंगे ओपोनेंट को वही बात है कि आप उनको आउट स्कोर कर दोगे तो आप मैच जीत जाओगे अदरवाइज मतलब आप ओपोनेंट को चांसेस तो मिलेंगे तो फ्रेंकी डीओं की गेम बहुत बहुत काम कूल उनकी गेम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ गेम को रीड भी किया कंट्रोल भी किया उसके अलावा दानी ओलमो के आने के बाद से गेम खुलना शुरू हो गई थी हमें बहुत सारे चांसेस मिलने शुरू हो गए थे प्री असिस्ट के चांसेस उन्होंने ऐसे पासिस दिए जहाँ पे प्री असिस्ट हो सकते थे ऐसे चांसे, उन्होंने चांसेस बनाए जहाँ पे उनके असिस्ट भी आ सकते थे तो मतलब हम लोगों को पहले भी हमने ये प्रीव्यू में बात की थी कि ओल्मो के आने से चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो क्रिएट होंगे और वही चीज हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिली लेकिन मुझे यही लगता है कि जो कार्लो ने थोड़ा सा ना ट्रिक उनका जो है वो काम नहीं किया उन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले गए थे सेकेंड हाफ में और उन्होंने सोचा कि हम काउंटर अटैक के ऊपर खेलेंगे बारसा तो वैसे ही बहुत हाई लैंड खेल रही है हमको हम कोई साइड ट्रैप को तोड़कर एक आधा चांस अगर मिल जाएगा और और देखें ये गेम ऐसा था कि अगर वो गोल स्कोर कर देते हैं तो शायद बार्सलोना प्रॉब्लम में आ जाती ये भी एक चीज थी लेकिन लेकिन फ्लिक का सिस्टम ही कुछ इस तरह का है कि भाई हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाली कहानी है अग्रीड 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 नर्वी था बहुत ज्यादा मैच मेरे लिए तो नर्वस और नर्व्स के बारे में बात करते हुए माय मैन ऑफ द मैच नो फॉरवर्ड्स इन या वन ऑन वन एम Bring it on, let's talk about the player we were very subtly criticizing came and slapped us. So यार इनाकी पिनिया यार मुझे टर्स्टेगन के लिए बुरा लग रहा है एक महीने पहले बेचारा पार्टी मना रहा होगा कि चलो गया अब जर्मनी का भी मैं फर्स्ट कीपर हो गया टर्स्टेगन अगले मैच में ब्लंडर करता है इंज, उसके अगले मैच में इंजर्ड होता है इनाकी पिनिया आता है हम लोग इनाकी पिनिया को बोलते हैं यार ये क्या आ गया ये क्यों आया इन, इनाकी पिनिया की जगह लेने आता है शेजनी शेजनी भी बढ़िया कीपर है जैसे ही शेजनी आता है इनाकी पिनिया वर्ल्ड क्लास कीपर बन जाता है अब ट्रस्टेगन के दिल में क्या चल रहा होगा आई डोंट नो बट इनाकी पिनिया वॉट अ प्लेयर वॉट अ प्लेयर मतलब This, all odds. हम सोच रहे थे कि यार हमारा टीम में एक ही वीकलिंग है वो है इनाकी पिनिया यार इसको कहीं से भी शॉर्ट मार दो विल बी वेरी वेरी वनरेबल और हम लोग देख रहे थे मडरिड बार तीन चार बार उन्होंने रैंडमली बॉल मिडफील्ड से मार दी उड़ा के to test the keeper. इनाकी काम. Now, जितने भी थ्रू बॉल्स आए फॉर एम्बापे फॉर विनिशियना बोला मैं नहीं डरेगा मैं नोयर बनेगा आज डिड भागते हुए आया बॉल्स क्लियर की टैकल मारा कवर किया गोल को इनसेन किया आज इनसे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना काम नहीं लूज किया उसमें अब कोई भी बड़ा कीपर होता है प्रेशर से इधर से उधर से फंबल कर जाता है कुछ भी करता है इनाकी पीनेडेम लाइफ में तो बोलूंगा गेम ऑफ हिज लाइफ क्लीन शीट रखा एट दर्न अब अगेंस्ट द्लेयर्स इन दर्ल्ड करेंटली इमेजिन व्हाट अ गाय गाइस व्हाट अ गाय सच में अनबिलीवेबल टुडे लक्ष्य भाई नो no डाउट ना पिनिया लेकिन आप ये देखो कि मैं फिर इस, इसका क्रेडिट दूंगा फ्लिक को आप कितने प्लेयर्स को उठाकर ये बात बोलोगे आप लेवनडोस्की को पिछले सीजन में बोल रहे थे कि भाई चला जा आप रफिनिया को बोल रहे थे भाई चला जा ठीक है आप इनाकी पिनिया पे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे तो आप किस किस प्लेयर की बात करोगे कहाँ कहाँ बात करोगे लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज की गेम में क्योंकि हमें यही लग रहा था कि पीनिया जो है वो हमारा वीक लिंक है अगर कोई ऐसे वैसे शॉट आ गई तो कौन क्या होगा कैसे रोकेगा लेकिन भाई उसका कॉन्फिडेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या घोल के पानी में पिला रहा है फ्लिक के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है और कॉन्फिडेंस uh, के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो uh, ऐसे मोमेंट के ऊपर जहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है जो मैं आपको याद है एक बात बोलता था कि क्लच मोमेंट में हम लोग वो नहीं कर पाते जो मैजिट कर पाती है जो फिनिया वो क्लच मोमेंट में नहीं कर पाता जो आज हम एक और चीज भूल रहे हैं बलदे को हम कितना क्रिटिसाइज करते रहे कि यार फाइनल थर्ड में उसका पास नहीं जाता यार

शेज नी शूड स्टार्ट बट उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि भाई मैं तो पिनिया खिलाऊंगा बट ऑल ऑल एक्चुअली ऑल क्रेडिट टू ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास हमारे पास सिर्फ तीन से चार मिनट बचे हैं फाइनल वर्ड्स ऑन द विक्ट्री फोर जीरो वट यू थिंक अक्टूबर वॉज आर बिगेस्ट टेस्ट एंड वी नेल्ड इट ये भी नहीं कि हम बस मैनेज कर गए वी नेल्ड इट वी वर फाइन विद ड्रॉ बट वी ने फाइव वन फोर वन फोर जीरो

चार चार और पांच गोल मारे दानसी फ्लिक गोल गोल की फुटबॉल चल रही है इट इज अब आई डोंट नो ये कितने लंबे टाइम तक विद इंजरीज वगैरह सस्टेन कर पाएंगे बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई डिमांडिंग फिजिकल फुटबॉल बट वॉट एवर है

बिल्कुल अक्टूबर बहुत बड़ा टेस्ट था मेक और ब्रेक था आपके लिए इस सीजन के लिए अगर यहाँ पर आप बाइन के अगेंस्ट चौक कर जाते प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि तो आप एक गेम हारे हुए थे चैंपियंस लीग का वो जीतना जरूरी था सविया का गेम बेसिकली आपको एक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने बाइन के अगेंस्ट खेलना था अल्कलासी को खेलना था वहाँ पर तो खैर सविया को हमने कुछ समझा ही नहीं था पूरी गेम डोमिनेट की थी पहले दस पंद्रह मिनट के अलावा पूरा गेम डोमिनेट किया आप टेस्ट आपने बहुत बहुत अच्छे से कंप्लीट किया फिर उसके बाद में अगेंस्ट यार बहुत विन है या आपकी और मैं ये अब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि आप देखो यहाँ से तो आपको सिर्फ ट्रॉफीज के बारे में सोचना चाहिए अर्ली अभी तो अक्टूबर भी खत्म नहीं हुआ और तो हमने शायद अगला गेम अपना स्पान्योल के अगेंस्ट खेलना है लेकिन ये कि डोमेस्टिक कंपटीशन में मुझे ये चीज नजर आ रही है कि बार्सोलोना जो है वो अब ला लेगा अगर कोई हारेगा तो वो बार्सलोना खुद हारेगी अदरवाइज कोई चांस नहीं है जिस तरह से हम खेल रहे हैं छ पॉइंट की लीड आपकी हो चुकी है छ पॉइंट की लीड इस टाइम के ऊपर कि अभी हाफ ऑफ द सीजन भी नहीं हुआ अभी तो नवंबर भी नहीं आया अभी तो दिसंबर भी नहीं आया छ पॉइंट की लीड अच्छी खासी लीड है आपकी और आपको यहाँ से आगे ही देखना है और देखो मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो नजर आ रही थी वो ये आ रही थी कि आपका स्क्वाड बहुत थिन था आपके इंजरी क्राइसिस थे आपके प्लेयर्स वापस आ गए आपका ओलमो वापस आ गया गावी आपने देखा कि वो किस तरह से वापस आया उसके अलावा फ्रेंकी डियोंग आया अब नवंबर में आपके पास बाकी के दो प्लेयर्स हैं क्रिश्चनसन और अरोह वो भी वापस आ जाएंगे तो स्क्वाड डेप्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ से जिस तरह से आप खेल रहे हो सारा प्रेशर अब इस वक्त जो है वो रियल मेरिट के ऊपर जाएगा एक गेम है ला लालीगा में फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जो बड़ी गेम होगी वो होगी एथलेटिको डी मैड्रिड वाली वो गेम अगर आप जीत जाते हो तो मेरे ख्याल में कि एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक हाथ आपका ला लालीगा ट्रॉफी के ऊपर है चैंपियंस लीग बहुत अर्ली है उसके ऊपर बात करना कोपा रे में बार्सलोना मुझे फेवरेट जरूर नजर आ रही है जीतेगी नहीं जीतेगी मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ से अगर आप ये कहते हो कि इस सीजन के लिए

कर ही नहीं सकते थे हमारे जितने हम नर्वस थे एक्साइटेड थे लेकिन बेस्ट आउटकम आ गया थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी बहुत 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 मज़ा आया ये पिछले तीन गेम्स तो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हुए हैं एंड फोर ज़ीरो विक्ट्री इन्जॉय द मोमेंट इन्जॉय द नाइट इन्जॉय द रेस्ट ऑफ द सीजन विस्का वारसा ई विस्का का विस्का वारसा विस्का वारसा